ये है चावल, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, फिर मशीन पर डालेंगे, ठीक है। करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन हो गया। और यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे मैंने चालू कर दिया। और देखिए 10 मिनट बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसमें खाना कैसा बना, ठीक। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम अच्छे हैं। वैसे हमारी मैडम जो है थोड़ी सी बीमार हो चुकी है, तो दोस्तों आज जो है रात में जो है खाने के लिए कुछ नहीं था, तो चलो मूढ़ी खा लिए थे। और सुबह मैडम ने बोली कि रोटी बना लो, तो मुझसे रोटी बना नहीं, तो मैंने फिर मूढ़ी खा ली और उनको भी मूढ़ी खिला लिया, बच्चों को भी मूढ़ी खिला दिया। तो फ्रेंड अभी जो है दोपहर का टाइम है, अब जो है मैडम जो है खाना नहीं बनाएगी शायद, क्योंकि वो सो रही है। आप जैसे देख सकते हैं कि घर में थोड़ी सी परेशानी है। बीमार क्या है, मतलब सिर्फ जो है इनको सर्दी हो गया है, सर्दी जुकाम। और देख सकते हैं कि यहाँ पे सो रही है और कह रहा है कि जाओ तुम ही खुद खाना बना लो। तो फ्रेंड वैसे हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो हम चावल जो है बनाने जा रहे हैं, आप लोग जो है पूरा वीडियो में बने रहिए। तब तक हम उस चीज़ को लेके आते हैं जिसमें हम लोग चावल को जो है ये करते हैं भाई, साफ़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये चीज़, आप लोगों के भी घर में होगा ये चीज़, जैसे देख सकते हैं। इसमें जो है क्या होता है कि चावल इसमें साफ़ होता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, अच्छा ये स्टिकर है, ये स्टिकर चिपका हुआ था, प्लास्टिक है वो। तो फ्रेंड बने रहिए, हम जा रहे हैं चावल को साफ करने के लिए। तो फ्रेंड आप, क्या आपके घर में मैडम बीमार रहती है तो क्या आप लोग खाना अपना हाथ से बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बताइएगा। क्योंकि हमारे घर में और दूसरा कोई है ही नहीं, भाभी लोग हैं तो वो लोग अपने अपने घर में रहते हैं अलग अलग, और हम जो है अपना घर में रहते हैं अलग। तो फ्रेंड आप लोग कहाँ से हैं कमेंट कीजिएगा। ये है चावल, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, फिर मशीन पर डालेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा चावल देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, थोड़ा ही चावल में जो है खाना बन जाता है हम लोगों का। देखिए दो आदमी का खाना बस, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, बच्चे पढ़ने चले गए हैं और हम लोग हैं अकेले। तो बने रहिए आप लोग मेरा वीडियो में, देखिए हम मशीन पे कैसे खाना डालते हैं और कैसे खाना बन के तैयार होता है। देख सकते हैं दोस्तों इसको, मैडम की जो है ना सर में दर्द, शरीर में दर्द, और जो है मतलब जो है नाक से जो है पानी निकलना, और थोड़ा हल्का हल्का इनको बुखार भी है। तो मैंने दवाई तो दिया दोस्त, लेकिन पता नहीं मैडम सो रही है, बोल रहे हैं कि खाना जो है बना लो, अगर बनाने पाओगे तो, नहीं बनाने पाओगे तो फिर जो है मूढ़ी खाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सोचे चलो हमको ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। साफ करने का टाइम पे चावल जो है पूरा निकल जाता है बाहर। तो आप लोग भाई कौन कहाँ से हैं, क्या आप लोगों की मैसेज जो है मैडम जो है बीमार पड़ती है तो क्या आप लोग अपना हाथ से खाना बनाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फ्रेंड लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और खाना वैसे हम जो है इसमें नहीं पकाने वाले हैं, हाथ से चावल को धोएंगे और धोने के बाद मशीन में डालेंगे, मशीन में डालने के बाद लाइट में लगाएंगे और खाना बन के रेडी। चावल में वैसे ज़्यादा कुछ कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा सा इसमें कचरा कुचरा होता है, ये निकल जाता है साफ़ करने में। तो ठीक है फ्रेंड लोग, आप लोग बने रहिए, हम मशीन में चावल देंगे और चावल देने के बाद फिर लाइट पे लगाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, बने रहिए वीडियो में आप लोग। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा राइस कुकर है, और इस पर जो है मैं चावल अंदर जो है डाल चुका हूँ, और इसका जो लाइट का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बटन है, तो पहले यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन हो गया। और यहाँ पे जैसे कि देखिए, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे बंद है
तो यहाँ पे मैंने चालू कर दिया। और देखिए 10 मिनट बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसमें खाना कैसा बना, ठीक है? तो बने रहिए आप लोग मेरा वीडियो में। तो जब तक मेरा खाना बन रहा है दोस्तों, तब तक आप लोग जो है हमारे वीडियो में बने रहिए। और जो है हम अभी आए हैं मैडम के पास। ए ए हाँ भात खाओ नहीं? देखिए मैडम सो रही है, इनकी तबीयत खराब है। अरे यार पसीना तो हम गई बुखार का खत्म है बिल्कुल। इनको दवाई दिए हैं वैसे, बुखार इनका उतर गया वैसे, अब शायद उठेगी। चलो उठ जाओ, मशीन पे खाना डाल दिया हूँ। तो सुबह से वैसे मुझे चाय बना करके मैडम जो है नहीं पिलाया है भाई। सुबह से हमको जो है चाय बना के मैडम ने नहीं दिया है, क्योंकि सुबह से अभी बिस्तर पे सोया हुआ है ये, ठीक है? और बने रहिए, हम जाते हैं अभी, दिखाते हैं आपको राइस कुकर में चावल, देखते हैं क्या हुआ। तो फ्रेंड देख सकते हैं जस्ट 15 मिनट बाद जो है इन पे खाना जो है बन चुका है, और खाना बन ही रहा है वैसे, बन अभी नहीं चुका है क्योंकि यहाँ से देखिए इनका हवा निकल रहा है और अंदर में ये खाना बन रहा है, ठीक है? तो ये जब खाना बन जाएगा दोस्तों, तो ये जो है ना ऑटोमेटिक अपने आप जो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इससे मतलब पानी थोड़ा साइड साइड से निकलने का मतलब हुआ कि इसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें हैं। तो इसमें थोड़ा कम चावल डालोगे तो ये मशीन यूज करते हैं, और थोड़ा अगर मान लीजिए कि इसमें 1/2 kg डालते हैं तो उसको यूज करते हैं, और 1/2 kg से ज़्यादा अगर डालते हैं तो फिर ये देखिए यहाँ पर एक मशीन है, ये देखिए यहाँ पर एक मशीन है, ये देखिए यहाँ पर मशीन है एक, ठीक है? इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो इनका पतीला जो है, इनका पतीला किधर गया? ये थोड़ा बड़ा पतीला है, ठीक है? इसमें इसमें लगभग 1 kg चावल बन जाता है। ये पतीला देखिए, ये राइस कुकर का है ना, तो इसमें एक एक केजी चावल बन जाता है, और इसमें 1/2 kg बनता है। तो जब सारा बच्चा मेरा घर पे रहता है तो इस पे चावल डाल के बनाते हैं, और जब हम लोग 2 ही रहते हैं तो फिर 1/2 kg बनाते हैं उसी में। तो इसमें खाना बन चुका है वैसे ऑटोमेटिक अपने आप, जब बन जाएगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये ना, ये ना ही जलेगा ना ही कुछ होगा चावल इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिक है। इसमें ऑटोमेटिक इससे जब खाना आपका बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आपको दिखा दे कि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो अब क्या पता कितना बजे, अब कितना टाइम लगेगा ऑटोमेटिक बंद होने में। तो ये जो लाल दिख रहा है ना, तो ये लाल नहीं दिखेगा, ये लाइट ऊपर चली जाएगी जब इसके अंदर खाना बन जाएगा तो, और ये बटन जो है अपने आप ऊपर उड़ जाएगा। तो बहुत इजीली है, बहुत अच्छा है ये चीज़ ना। आप लोग भी अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो वैसे फ्लिपकार्ट में मिल भी जाता है ये, लेकिन इसमें रेट थोड़ा ज़्यादा लेता है, और दुकान से लीजिएगा तो दुकान में सस्ता मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग बने रहिए हम लोगों का वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक्चुअली खाना बन के रेडी हो चुका है, जैसे देखिए ये ऑटोमेटिक बटन जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ से नीचे से ऊपर हो चुका है। जैसे देखिए अभी इसको नीचे करेंगे लेकिन नहीं रहेगा, ये देखिए देखिए छोड़ देते हैं, ये चला जाता है ऊपर, क्योंकि इसके अंदर में खाना जो है रेडी हो चुका है, इसीलिए ये बटन और लाल नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर में खाना बन चुका है। आप जैसे देख सकते हैं खाना कि खाना कैसा बना है, जैसे आपको ये देखिए चावल बन के रेडी है, क्योंकि ये जो है ना एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इनका पानी जो है ना थोड़ा ज़्यादा उबलता है, तो ये जो है ये प्लेट जो है देना पड़ता है। जैसे देख सकते हैं खाना बन के रेडी, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक है, इसमें खाना ऑटोमेटिक अपने आप बनता है। तो अब जो है हम लोग बस खाना हो चुका है रेडी, अब हम लोग खाएँगे खाना, ठीक है? खुदा हाफिज़।